हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप किसी पेज पे जाते हैं, अगर वो पेज नहीं मिलता है तो उसके लिए हम वहाँ पे हमारा मैसेज आना चाहिए कि पेज नॉट फाउंड। तो आइए देखते हैं उसे हम कैसे करेंगे। चलते हैं हम कंपोनेंट पे। आइए देखिए, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर एक हम कंपोनेंट बनाएंगे। ये हमारा कंपोनेंट होगा पेज नॉट फाउंड डॉट जी एस। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है पेज नॉट फाउंड। रिटर्न, यहाँ पे हम रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं। डी क्लास कंटेनर, कंटेनर इसको मैंने क्लोज किया और यहाँ पे डे क्लास रो डे क्लास कॉल एम डी और यहाँ पे एक हमने हेडिंग लिया एस फाइव और क्लास दिया इसमें हमने क्लास टेक्स्ट डेंजर। पेज नॉट फाउंड, ये हो गया हमारा कंपोनेंट और इसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज नॉट फाउंड। चलते हैं ऐप पे, अब इसे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पेज नॉट फाउंड। अब ये देखिए, ये जो हमारा राउट है इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पे इस कंपोनेंट को यहाँ कॉल कीजिए। ये देखिए मैंने कॉल किया और यहाँ पे जो हमारा पाथ है यहाँ पे एस्टिक का यूज कीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे एस्टिक पास किया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, चलते हैं यूआई पे। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने अबाउट अस पे आया तो यहाँ अबाउट अस पे जो है कि हमारा कंटेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और यूआरएल डालूं, टेस्ट, ये देखिए पेज नॉट फाउंड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हेडर और मेनू तो आ रहा है, यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। अगर मान लो मैं देखिए अभी कोई वाला डालता हूँ तो नहीं मिल रहा है। अगर यही हम अगर देखिए, ये हमारा कंपोनेंट मिल रहा है तो ये जो कि हमारे रेंडर हो रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे हमें मैसेज आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन डालूँ, लॉगिन का कंपोनेंट नहीं बना हुआ है, ये देखिए पेज नॉट फाउंड। ऐसा आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।